जाने कैसे आप सभी आयुष एकदम अच्छे होंगे। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मुझे शादी में जाना है, वहाँ का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। तो ये उस दिन का वीडियो है, बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बना पाए क्योंकि वहाँ पे आपको पता है शादी में जाके कोई वीडियो तो नहीं बना पाता है। ये देखिए प्रीक्षा इस टाइम कितनी ही गुस्से में बैठी हुई है क्योंकि उसको नूडल्स चाहिए था। और एक्सप्रेशन देखो भाई लड़की के, इतने गुस्से में है। और ये आ गया इनका नूडल्स, तो प्रीक्षा एकदम हैप्पी हो गई। ये शादी मतलब नूडल्स, इनको नूडल्स से एक्स्ट्रा प्यार है, वो भी शादी वाले नूडल्स से। तो यहाँ पे मैं और प्रीक्षा थोड़ी थोड़ी सी आपस में मस्ती कर रहे थे। ये लड़की आ ही नहीं रही थी, इसको नीचे उतर के अपने फ्रॉक को राउंड एंड राउंड करने में अच्छा लग रहा था। और ये वीडियो मैंने स्पेशली इसमें ऐड किया है क्योंकि ये वीडियो प्रीक्षा ने बनाया है। अब देखो ये लड़की बदमाशी पूरे डॉल की तरह वहाँ घूम रही थी, जो भी आ रहा था इसको देख के बिल्कुल इम्प्रेस। इतनी क्यूट लग रही थी, बाप रे, टच वुड। मेरे ही पास नहीं आ रही थी, आप देखो वो अपनी फ्रॉक को उठा के यहाँ वहाँ घूमना, उसको अलग ही मज़ा आ रहा था शादी में। बहुत इंजॉय किया इसने। अभी ये सोच के अच्छा लगता है कि अभी ये बड़ी हो गई है, इसको लेके कहीं भी जाना थोड़ा इजी टास्क हो गया है। तो अब तो अच्छा वाला ग्रुप रेडी हो रहा है मेरा प्रीक्षा के साथ घूमने वाला। ये देखिए प्रीक्षा की हिलती हुई वीडियो, जो आई मीन प्रीक्षा ने बनाई है, जो मेरी हिलती हुई वीडियो। बड़ा अच्छा है यार, मेरा पहले ना मैं कहीं जाती थी कोई मेरा ना फोटो खींचने वाला रहता था ना मेरा वीडियो लेने वाला रहता था, बड़ा ही मुझे अंदर से बुरा लगता था कि इतने अच्छे से रेडी होके जाओ एक फ़ोटोज़ तक नहीं आती है। टचवुड एक मेरे पास बेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड के रूप में मेरी प्रीक्षा आ गई, जो मेरी सारी चीज़ों में मेरी अच्छे से हेल्प करती है। अब तो फोटो भी बना लेती है, वीडियो भी बना लेती है। शी वाज सो क्यूट, देखो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।